साल नहीं, महीने नहीं, हफ्ते नहीं, दिन भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे और दुश्मन हो जाएगा नेस्तनाबूद, वो भी न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के ही बिना। ये नए भारत की नई युद्ध रणनीति है। रेगिस्तान में यूं बरस रहे धुआंधार गोलों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन को हार का स्वाद चखाने के लिए कैसे तैयार है देश की सेना। यह नजारा है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 100 किलोमीटर के दायरे में हुए दो दिनों के युद्धाभ्यास का, जिसका नाम था सिंधु सुदर्शन। इस युद्धाभ्यास में थल और वायुसेना के 40,000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद था कि कैसे अधिक से अधिक आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे युद्ध के वक्त धैर्य से काम लिया जाए और कैसे दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर दिया जाए। अभ्यास के लिए काल्पनिक दुश्मन के ठिकाने बनाए गए, जिन पर हाईटेक विमानों से जमकर बमबारी की गई। इसमें थल सेना के 21 स्ट्राइक कोर सुदर्शन शक्ति का प्रयोग किया गया। दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले लड़ाकू विमान जगुआर और MiG-21 को भी शामिल किया गया। इसमें स्वदेशी बंदूकें, तोप, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और T-90 टैंक को शामिल किया गया। इसमें रशियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे 72 क्लस्टर बम गिराए गए। जवानों को सिखाया गया कि हेलीकॉप्टर रुद्र और मानव रहित विमान हेरोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी सहायता से कैसे कम वक्त में दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए और महज 48 घंटे में उसे तबाह कर दिया जाए।